छिंदवाड़ा में राजनीतिक सरगर्मी उस समय बढ़ गई जब प्रदेश भर में लगाए जा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आपत्तिजनक पोस्टर को छिंदवाड़ा में लगाते समय कांग्रेस के एनएसयूआई के पदाधिकारी कैमरे में कैद हो गए, जिसको लेकर छिंदवाड़ा भाजपा आक्रामक मूड में नजर आई। इस मुद्दे को लेकर छिंदवाड़ा भाजपा द्वारा कोतवाली में तगड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि मामला कोतवाली से पुलिस अधीक्षक और फिर आईजी जबलपुर सहित गृह मंत्रालय तक पहुंच गया। इस मामले को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आया। हालांकि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में विशेषज्ञों की राय ली गई, जिसके चलते भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में कोतवाली परिसर में लगभग 4 घंटे तक प्रदर्शन चला, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा इमलीखेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए विवाद को लेकर भी बड़ी कार्यवाही की जाने वाली है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता कोतवाली परिसर में एकत्रित हुए और उन्होंने प्रशासन को कड़ी कार्यवाही के लिए पत्र भी सौंपा। दोषियों को गिरफ्तार करो, आज करो, अभी करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, आज करो, अभी करो। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लात तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य के सम्मान में भाजपा मैदान। वो चीज अब हम जब कथा लिखेंगे तो वो चीजें बेहद से खोल धारा, अगर हमारा उद्देश्य कोई होता तो धारा ऑलरेडी नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर इन्होंने लगा है। इस षड्यंत्र में कमलनाथ भी शामिल है। कमलनाथ जी इनके घर में इनके साथ में रहते हैं, ये लोग साथ में रहते हैं। इसमें कमलनाथ के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। दूसरा, जिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है इनकी गिरफ्तारी तुरंत हुई। साथ ही साथ एक पार्षद पति, कांग्रेस के पार्षद पति, जिन्होंने अपशब्द बके गालियां बकी एक महिला, गरीब महिला को, उसकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उसकी गिरफ्तारी भी तुरंत हो सर। और ये ऐसे आगे ऐसी कोई ऐसी हरकत ना हो, इसलिए इसमें कड़ी कार्रवाई इनके सबके उनके पूरा कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, उसके पीछे कौन कौन है। और हमको पता चला है कि इनके जो कमलनाथ के पीएस श्रीवास्तव, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यहाँ पर पोस्टर लगाओ, यहाँ पर पोस्टर लगाओ, उनकी उनकी कॉल डिटेल निकाल करके तुरंत उन पर भी कार्रवाई की। वीडियो में दिख रहा है कि वो आपत्तिजनक पोस्टर लगा रहे हैं और यह घटना लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं। अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे, जब तक के उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक जननायक जिन्हें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी, एक बीमारू राज को वैभवशाली समृद्ध राज बनाया, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ यह बहुत ही आपत्तिजनक पोस्टर जो कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, बहुत विरोध है। और सिर्फ ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बल्कि आम जनता में इसको लेकर के विरोध है। और ये दिखता है कि कांग्रेस के द्वारा यह कृत किया गया, उनको पूरी सहय कमलनाथ की है। और कमलनाथ उनके घर में आते जाते हैं, ये उनके साथ में रहते हैं, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं। तो जो पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के द्वारा यह करवाया जा रहा है, मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर इसमें हो। कोतवाली परिसर में भाजपा के कार्यकर्ता गण इकट्ठे हुए और इनकी मांग थी कि एक पब्लिक प्लेस पे विवादित पोस्टर चस्पा हुआ था, उस पर कार्यवाही करने की मांग पर ये सभी इकट्ठा हुए थे। नगर निगम के प्रतिवेदन के आधार पे हमने संपत्ति विरूपण अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। और जो भविष्य में विवेचना का निष्कर्ष आएगा आपको उस
मैडम ये भाजपा का आरोप है कि हम दो घंटे तक तीन घंटे तक यहाँ बैठे रहे तब तक कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहना है पुलिस? जी इसमें एक्चुअली चूँकि संपत्ति विरोपण अधिनियम सार्वजनिक स्थल के लिए हम नगर निगम के प्रतिवेदन का वेट कर रहे थे और हमारा पूरा तैयार था, ऐसा विलंब कुछ खास नहीं हुआ है, हम बस प्रतिवेदन का जैसे हमारे पास प्रतिवेदन आया वैसे ही हमने कार्रवाई कर ली। मैडम मामले में कितने आरोपी बनाए गए? अभी इसका खुलासा भविष्य में करेंगे।